और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों की और उस पर मुख्यमंत्री योगी के एक्शन की। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक रोज कोरोना के नए मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 1 लाख के पार हो चले हैं। हालांकि सीएम योगी की भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर पूरी निगाह है। वो लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में आज वो गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में सीएम योगी संतोष हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे इस अस्पताल में पहुंचेंगे और वहां पर अस्पताल में कोरोना को लेकर किए गए इंतजाम देखेंगे। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको बताएं कि गाजियाबाद में कोरोना के मामले 11,000 के पार जा पहुंचे हैं और ऐसे में स्थितियों पर नजर रखना बहुत आवश्यक हो चला है। अब आज गाजियाबाद में करेंगे निरीक्षण, वहां पर जाएंगे, किस तरीके से हालात वहां पर बन रहे हैं, स्थितियां किस तरीके से वहां पर हैं, इसको लेकर भापेंगे और फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे, आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो, नियंत्रण से बाहर ना हो, ये सरकार की लगातार कोशिश है और एक्शन मोड में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। 1 बजे संतोष हॉस्पिटल वो पहुंचने वाले हैं, वहां पर जाकर के निरीक्षण करेंगे, डॉक्टर से भी जानेंगे और साथ ही जो फीडबैक देने के लिए अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे उनसे भी विस्तार से तफसील से वो जानेंगे। सीधा वो गाजियाबाद में चलते हैं, शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। शक्ति, गाजियाबाद में केसेस बढ़ रहे हैं ये हमें दर्शकों को हमने बताया, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, अस्पतालों में सुविधाएं क्या हैं और आप क्या स्थिति जमीन पर देख रहे हैं? देखिए, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो हालांकि गाजियाबाद में जो तैयारियां हैं वो तैयारियां इस समय जोरों पर हैं और तैयारियों को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते अधिकारी। गाजियाबाद में सेकंड वेव में देखने को मिला था कि गाजियाबाद में यहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, यहां पर बेड नहीं थे, लेकिन अभी तक ये राहत भरी खबर ये है कि यहां पर अभी तक 10,000 से ज़्यादा मामले यहां पर आ चुके हैं और कोई कैजुअल्टी नहीं है। तो जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं जो प्रदेश के मुखिया हैं अब उन्होंने भी भ्रमण शुरू कर दिए हैं कोरोना को लेकर। आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद संतोष हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल को सरकार ने कोविड अस्पताल घोषित किया हुआ है, उसका निरीक्षण करेंगे। यहां पर इस समय 22 मरीज जो भर्ती हैं उनका हालचाल जानेंगे और अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। उसके बाद मीडिया के साथ एक ब्रीफिंग करेंगे और ब्रीफिंग में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या कमी देखी। हालांकि कोई कमी की बात अभी तक गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो प्लांट थे वो भी यहाँ पर भरपूर तरीके से अब लगा दिए गए हैं। हालांकि जो केसों की संख्या है वो काफ़ी है, डराने वाली है केसों की संख्या, क्योंकि अभी 24 घंटे में भी आज जो मामले सामने आए हैं तो वो 1300 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, कल 2200 से ज़्यादा मामले सामने थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 10,000 से भी ज़्यादा मामले अब तक यहाँ गाजियाबाद में सामने आ चुके हैं, तो डराने वाले जरूर हैं, लेकिन अभी तक ये एक अच्छी बात है कि कोरोना को लेकर कोई भी मौत नहीं हुई है। जो दूसरी लहर में देखने को मिला था कि दूसरी लहर में कोरोना के मामले जैसे जैसे आ रहे थे, तो वहीं जो मृत्यु दर रेट था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। अब तीसरी लहर में ओमिक्रॉन का भी खतरा है, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसी तरह से अगर स्वास्थ्य विभाग की कहें या जिला प्रशासन की बात की जाए तो तैयारियां यहां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव का भी समय है, वहीं चुनाव के समय भी इस तरह से जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो ये भी एक चैलेंज बढ़ गया है। चुनाव भी है पहले फेज में और उसमें इस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो चैलेंज चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति इस जानकारी के लिए। और एक बड़ी अपडेट इसी बीच में, देश के मशहूर कथक नर्तक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का हृदय गति रुकने से कल निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को उन्हें हार्ट अटैक आया। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया के जरिए महाराज जी के निधन की सूचना दी है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज रविवार रात करीब 12 बजे तक अपने नाती पोतों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे और अंताक्षरी खेलते खेलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, वो बेहोश हुए। उन्हें दिल्ली के साकेत अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित बिरजू महाराज के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है।
भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज के निधन से गहरा दुख हुआ। यह प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, दुख व्यक्त करते हुए बिरजू महाराज के निधन पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है उनके निधन पर। यह रहा ट्वीट का कंटेंट। बिरजू महाराज के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा है कि कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरण में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और बिरजू महाराज के निधन पर पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र ने भी शोक प्रकट किया है। उनके जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है कहा है। बहुत दुख हुआ और कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो परिवार, दूसरे अच्छे कलाकार, और उनके बारे में जब सुने हैं वही तो जैसे कोई कलेजी में चोट लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम की इच्छा होगी वो होगा ही, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो।